आप में से बहुत से लोग छिपकली को देखते ही डर जाते होंगे, लेकिन क्या हो अगर आपको छिपकली से भरे आइलैंड में अकेला छोड़ दिया जाए। यकीनन वह पल आपके लिए खौफ से भरा होगा, लेकिन हमारी धरती पर एक ऐसा आइलैंड भी मौजूद है जहां विभिन्न प्रजाति की छिपकली पाई जाती है। इस आइलैंड पर आम लोगों की आवाजाही पर बैन है, लेकिन अगर आप चाहें तो प्रकृति प्रेमी बनकर इस आइलैंड की सैर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं छिपकलियों से भरे इस अद्भुत आइलैंड के बारे में। कदम कदम पर मिलती हैं छिपकली। हिंद महासागर में एक छोटा सा द्वीपीय देश मौजूद है जिसे सेशेल्स के नाम से जाना जाता है। इस देश के एक आइलैंड में दुनिया भर में पाई जाने वाली विभिन्न प्रजाति की छिपकली निवास करती है, जिसकी वजह से इसे लिजर्ड्स आइलैंड के नाम से जाना जाता है। वैसे तो इस आइलैंड का असल नाम एरिड है, जो 71 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस आइलैंड पर कोई इंसानी बस्ती मौजूद नहीं है, क्योंकि इस जगह को सिर्फ और सिर्फ जीव जंतुओं, प्रवासी पक्षियों और छिपकली की विभिन्न प्रजातियों के लिए संरक्षित करके रखा गया है। एरिड आइलैंड से समुद्र का बेहद खूबसूरत नजारा दिखाई देता है, जबकि इस जगह पर पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नजर आता है। यह आइलैंड प्रकृति और जीव प्रेमियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है, जिसके रखरखाव और देखभाल की जिम्मेदारी स्थानीय एनजीओ उठाता है। एरिड आइलैंड पर छिपकली की कई छोटी बड़ी प्रजातियां पाई जाती हैं, जहां आपको कदम कदम पर अलग अलग छिपकली आसानी से नजर आ जाएंगी। हैरानी की बात ये है कि यहां रहने वाली छिपकली इंसानों से डरती नहीं है और न ही उन्हें देखकर दूर भागती है, बल्कि यह छिपकली इंसानों के पैरों के आसपास जमीन पर पूरे रौब के साथ बैठी रहती है। इस आइलैंड पर आपको विभिन्न प्रजाति और रंगों की छोटी बड़ी छिपकलियां देखने को मिल जाएंगी। हालांकि यहां कोमोडो ड्रैगन जैसी खतरनाक और विशालकाय छिपकली नहीं रहती है। एरिड आइलैंड पर पेड़ों की सूखे पत्तों के बीच या टहनियों के ऊपर छिपकली बैठी रहती हैं, जो छलावा करने में माहिर होती हैं। ऐसे में आइलैंड पर घूमने गए पर्यटक कभी कभी इन रूप बदलने वाली छिपकलियों को पहचान नहीं पाते हैं और प्रकृति के अद्भुत रूप से अनपरिचित रह जाते हैं। लेकिन जो लोग छिपकलियों की प्रजातियों को जानते हैं और छलावे को समझते हैं, उनके लिए यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। एरिड आइलैंड की एक खास बात यह है कि इस द्वीप पर सी बर्ड्स जमीन पर ही अपना घोंसला बना लेती हैं, क्योंकि यहाँ कोई इंसान नहीं रहता है। ऐसे में पक्षियों को अपने अंडे चोरी हो जाने का डर नहीं रहता है, जिसकी वजह से मादा पक्षी पेड़ के तने के पास जमीन पर घोंसला बनाकर अंडे देती है। इस द्वीप पर चूहे और जहरीले सांपों की मौजूदगी भी नहीं है, जिसकी वजह से पक्षियों को अंडों का शिकार होने का डर नहीं होता है। जो एनजीओ इस द्वीप पर रखरखाव का काम संभालता है, उसके वर्कर्स रोजाना आइलैंड पर आकर घोंसलों की जांच करते हैं। अगर उन्हें घोंसले में अंडा या फिर मादा सी बर्ड बैठे हुए दिखाई देती है, तो वह उस पेड़ की टहनी या लकड़ी पर एक लाल रंग का रिबन बांध देते हैं। इससे नए बच्चों का आंकड़ा तैयार करने में मदद मिलती है, जबकि पक्षियों की देखभाल करना भी आसान हो जाता है। एरिड आइलैंड पर कई ऊंचे ऊंचे पेड़ मौजूद हैं, लेकिन यहां आपको बंदर या चिंपैंजी जैसे जानवर पेड़ों पर लटके हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि यह द्वीप मुख्य रूप से सी बर्ड्स और छिपकलियों का घर है। एरिड आइलैंड पर कुछ ऐसे पक्षी भी पाए जाते हैं जो इंसानों के करीब आना पसंद नहीं करते हैं, और अगर इंसान इन पक्षियों के नजदीक जाने की कोशिश करते हैं तो वह तुरंत अपनी चोंच से इंसान पर हमला कर देते हैं। इस आइलैंड पर कई जगहों में दलदल मौजूद है, जिनके ऊपर पेड़ के सूखे पत्ते और घास फूस रहती है, और इस वजह से पर्यटक दलदल को आसानी से देख नहीं पाते हैं। खास तौर से बनियान ट्री के नीचे दलदल की मौजूदगी होने की आशंका अधिक होती है, जबकि इस तरह के पेड़ों की शाखाओं से लंबी और मजबूत रस्सियां लटकती हैं। यह वही रस्सी है जिससे लटककर टारजन जंगल में एक जगह से दूसरी जगह जाता था। एरिड आइलैंड पर 200 साल पुराने पेड़ पाए जाते हैं, जिन्होंने आइलैंड को एक घने जंगल में तब्दील करने का काम किया है, और इस वजह से पक्षियों और छिपकलियों को रहने के लिए सुरक्षित स्थान मिल जाता है। इन पेड़ों के खोखले तनों, रस्सियों और टहनियों पर ना जाने कितनी ही छिपकलियां रहती हैं, जिन्हें आइलैंड पर आने वाले पर्यटकों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। इन छिपकलियों की त्वचा का रंग सामान्य पीले से लेकर भूरा, काला और चमकीला होता है, जबकि कुछ छिपकलियों की त्वचा का रंग पेड़ की पत्तियों और टहनियों से मिलता जुलता होता है। एरिड आइलैंड पर जाइंट मिलीपीड्स की आबादी भी काफी ज्यादा है, जो सूखे पत्तों और घास के बीच छिपकर रहते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस आइलैंड पर मौजूद पत्थर मुख्य रूप से सी बर्ड्स की पॉटी और रेत के आपस में मिलने से बने हैं, जिससे यह पता चलता है कि एरिड आइलैंड सैकड़ों सालों से पक्षियों का निवास स्थान रहा है। इस आइलैंड की साफ सफाई या पेड़ों की कटाई नहीं की जाती है, क्योंकि इससे जंगल के प्राकृतिक लुक पर बुरा असर पड़ेगा और पक्षियों व छिपकलियों को अपने घर वाली फीलिंग नहीं आएगी। इसलिए एरिड आइलैंड के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की जाती है, बस पक्षियों और छिपकलियों की देखभाल के लिए यहाँ एनजीओ का स्टाफ दिन में एक बार आता है, और यही लोग पर्यटकों को हेलीकॉप्टर या नाव के जरिए आइलैंड पर लाते हैं और उन्हें घुमाते हैं।
इस आइलैंड पर लोगों के ठहरने या खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए पर्यटकों को सुबह से शाम तक घूमने के बाद वापस मेनलैंड पर पहुंचना पड़ता है। तो ये था छिपकली और सी बर्ड से भरा एक अद्भुत द्वीप जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।